डेस्टिनेशन वेन्यू हम लेकर आए हैं आप सभी के शहर में सिवान में। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सिवान, इनफैक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ बिहार। क्या मिडिल क्लास के लोग इसे बुक कर सकते हैं? तो डिपेंड करते क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसका छोटा बजट है तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जारा ट्रेवल का होस्ट शौकत अली फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट शेयर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, वीडियो में बने रहें। और अभी देख रहे हैं हमारे पीछे उमेद पैलेस हॉल जो सिवान में फर्स्ट बार खुला है। इसके जैसा अभी तक सिवान के अंदर क्या छपरा पटना यहाँ तक कि गोपालगंज चार पाँच ज़िले हैं उसमें आपको इस तरह का मैरिज हॉल देखने को नहीं मिलेगा। ये वीडियो एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं उमेद पैलेस हॉल का मेन गेट था और ये सीधा पचरुकिया जाएगा और ये पचरुकिया बाईपास मोड़ है ठीक इसके बगल ही। आइए तो चलते हैं अंदर और अंदर का खूबसूरत व्यू मैं आपको दिखाऊंगा। गाइज आप लोग को यकीन नहीं होगा कि सिवान में इस तरह का मैरिज हॉल बन चुका है, उमेद पैलेस हॉल। आपके सामने ये इसका लोगो है तो गाइज कमेंट में बताएंगे और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और मैं क्या बताऊं, मैं इसी तरह का वीडियो लेके आता रहता हूं। ये सामने आपको दिख रहा है बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत इसे लुक दिया गया है। गाइस एक बात तो है, सिवान अब किसी से कम नहीं रह चुका है क्योंकि आप लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास अच्छा खासा बजट है तो वो अब अपनी शाही परिवार के अंदाज में ही सिवान के अंदर शादी अपने बच्चों को करा सकते हैं। तो ठीक आपके सामने ये उमेद पैलेस का कुछ खूबसूरत नज़ारा। गाइज मैं एक चीज आप लोग को बता दूं, सिवान में पहले इस जगह पे जो सिवान से लोग होंगे उन्हें पता ही होगा और काफी लोग जानते होंगे क्योंकि इस जगह पे पहले चीनी मिल यानी शुगर फैक्ट्री हुआ करता था। और अभी इस जगह को जो मैरिज हॉल के रूप में इसे बनाया गया है आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत राजा महाराजाओं की शक्ल का ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। सिवान में पहली बार किसी का कॉपी करके, राजस्थान में जो उमेद पैलेस है उसका कॉपी करके सिवान में एक बाप ने अपने बेटे के लिए मैरिज हॉल ही बना डाला। तो गाइज अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं इसी तरह का वीडियो लेके आते रहता हूँ तो वीडियो में बने रहें, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, वीडियो एंजॉय कीजिए। और इतना बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन वेन्यू हम लेकर आए हैं आप सभी के शहर में सिवान में। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं आज की इस खूबसूरत शाम में जायसवाल परिवार की तरफ से। आज की बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास है क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं और आप सभी लोग बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। वीआईपी उमेद पैलेस में आप सभी लोगों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं सी हॉक इवेंट्स की तरफ से। थैंक यू, दिस इज मेलानी योर होस्ट फॉर दिस इवनिंग। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को अंदर लेके चलता हूँ। ये रिजॉर्ट के बाहर का कुछ खूबसूरत नज़ारा और ये अंदर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत आलीशान शाही अंदाज में यानी राजा महाराजाओं की तरह, राजवाड़ों की तरह यानी राजस्थान में बड़े बड़े बिल्डिंगें आपको देखने को मिलेगी। अब सिवान में ही आप इंजॉय कर सकते हैं, कोई भी पार्टी फंक्शन के लिए इसे बुक करा सकते हैं। और ये देखिए इसका खूबसूरती देखिए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा और क्या वाकई में इसे बुक करना चाहिए या नहीं। जो लोग अगर एक बार आएंगे, गाइस मैं आप लोगों को सच में बता रहा हूँ, अगर आप एक बार इसे देखेंगे तो आपको आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और इसमें आप यहाँ आएंगे तो आप बगैर बुक किए वापस नहीं जा सकते हैं, आपके पॉकेट थोड़ा सा पैसा मनी निकालना पड़ेगा। और
किया गया है, आप लोग एक बार विजिट करें और आकर इसे बुक कराएं और अपने बच्चे के शादी प्रोग्राम में इसे एंजॉय करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो के अंत में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या, अभी तो पार्टी शुरू हुई नहीं है, पार्टी जैसे शुरू होती है मैं आपको पूरा वीडियो दिखाने का प्रयास करूंगा। चलिए मैं कोशिश करता हूं इसके ऊपर चल के मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, और खूबसूरत है, एक बार विजिट तो बनता है, और अच्छे लोकेशन पर इसे बनाया गया है। ये जो बाईपास बना हुआ है अपना पचरुखी बाईपास, उससे महज 50 मीटर के दूरी पे पचरुखिया जाने वाले रास्ते पे और पचरुखी बाज़ार से पहले इस मैरिज हॉल को बनाया गया है। गैलरी के ऊपर आया हुए ये देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। ये आप लोगों को, आपको लगता है ईंट है, ये ईंट नहीं है, आपकी आवाज़ आ रहा होगा, ये फाइबर का बना हुआ है। और खूबसूरत ऊपर से खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं, काफ़ी एरिया है आप देख सकते हैं वहाँ ऊपर से खूबसूरत नज़ारा। यहाँ पे लाइटें देखें, एक से एक लाइटें सेट की गई है क्योंकि इस बिल्डिंग को कवर किया जाए, और काफ़ी खूबसूरत ढंग से इसे लाइटिंग से सजाया गया है। और गाइस एक बात है, इस तरह का मैरिज हॉल सिवान में क्या 3-4 जिले में आपको पूरे बिहार में देखने को नहीं मिलेगा। आप अगर यहाँ ये देख सकते हैं कितनी बेहतरीन लाइट की व्यवस्था की गई है, और काफ़ी एरिया है ये ऊपर से, ये हॉल का कुछ खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ से चलिए दोस्तों हम नीचे चलते हैं, और नीचे चल के मैं आपको बाहर का कुछ खूबसूरत व्यू दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे कलर का भी ध्यान रखा गया है, हर 2-2 मिनट पे लाइटें चेंज हो रही है, हर कलर का आपको लाइट देखने को मिलेगा। बनाया गया है इसे, गाइस कमेंट में बताइएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर तो बनता ही है, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूँ। ये देख सकते हैं हमारे पीछे ये उम्मेद पैलेस हॉल, सेवा का मौका जरूर दें। तो चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ के MD जो है उनसे इस पैलेस के बारे में, उमेद पैलेस के बारे में कुछ जानकारियां लेते हैं और इनसे पूछते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, और मैं जानना चाहूँगा सिवान में इतने बड़े उमेद पैलेस हो, जो राजस्थान में का उमेद पैलेस है और इसका कॉपी यहाँ पे बनाया गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को और हमारे सब्सक्राइबर को, आप बताएं डिटेल में। ओके, वी आर डेस्टिनेशन वेडिंग प्लानर एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर, सो दैट अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट हम लोग क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें अरेंज करते हैं, अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाके
हमारे क्लाइंट ने हमें यहाँ सिवान में बुलाया और उनकी इच्छा थी डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए, तो हम लोग उनको जोधपुर और एक जगह और जाके देखे, देखने के बाद में उन्हें पसंद आया, बट क्या था सम रीज़न हम वहाँ वो वेडिंग कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंगली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमने उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए देखते हुए हमने उसको इस लोकेशन सिवान में जी बिहार में उसको अरेंज किया है और एक बेस्ट डेस्टिनेशन लोकेशन तैयार की है यहाँ पे, ताकि जो यहाँ की ऑडियंस है लोग हैं वो भी इंजॉय कर सकें और देख सकें, और हमने अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हुए सारी चीज़ें जी। क्या मिडिल क्लास के लोग इसे बुक कर सकते हैं या नहीं? डिपेंड करता है कि वो क्या, हमारे इसमें तीन अलग अलग पार्ट हैं, इसमें छोटी फंक्शन और छोटी गैदरिंग के लिए भी हम लोग काम करते हैं, जैसे हमारा पूल साइड एरिया है, अंदर हॉल साइड एरिया है, लॉन साइड एरिया है, इसमें दो लॉन हैं, ठीक है, ऊपर अलग से एक हमारा टॉप रूफ टॉप है, तो डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसका छोटा बजट है तो उसके अकॉर्डिंगली वो लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने फंक्शन को कर सकते हैं। ये पैलेस तो पहले VIP ग्रुप का है, पहले हम लोग यहाँ पे अपने और भी बहुत सारे काम करते, ट्रेडिंग है अपने सेलन के काम है, और अपने भाई के शादी के लिए ये हम लोगों ने बनवाया है, और जब हम लोगों ने प्लान किया बनाने का, तो जब हुआ कि जब बना रहे हैं तो इसको परमानेंट स्ट्रक्चर दे, ताकि सिवान और आसपास के जो लोग हैं उन लोगों को अच्छी फैसिलिटी मिल सके और एक डेस्टिनेशन वेडिंग का फील आए, थोड़ा रॉयल लुक दिया गया, जो शाही अंदाज होता है शादियों की उसके लिए बनाया गया है। इसमें हमारे लॉन है, हॉल है, पूल साइड एरिया, रिसोर्ट का पार्ट है, इन फ्यूचर हमारा रेस्टोरेंट और रूफ टॉप रेस्टोरेंट, ये सारे कुछ आने वाले हैं, मतलब एक फुल पैकेज मिलने वाला है, जो लोग बाहर जाके करते हैं वो यहाँ के लोग को यहीं आके सारा कुछ फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। पहले तो बेटे के लिए ही बनवाया गया था, लेकिन फिर हम लोगों ने सबके लिए ओपन कर दिया, अब भाई की शादी मेरी हो गई है, अब बुकिंग स्टार्ट हो चुका है, जिसको भी बुकिंग कराना है वो सब आम पब्लिक सबके लिए है। तो दोस्तों चलिए कुछ मैम से इसके बारे में जानकारियां लेते हैं। चैनल में आपका स्वागत है, आप अपना नाम पहले बताएं। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सिवान, इन फैक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ बिहार, इतना बड़ा और इतना खूबसूरत डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बहुत ही खास वेन्यू क्रिएट किया गया है, और ये सौजन्य जो है वो पूरा पूरा श्रेय जाता है अरुण गुप्ता जी को, जो कि VIP ग्रुप के ओनर हैं, और ये खास डेस्टिनेशन वेडिंग उन्होंने अपने बेटे के लिए क्रिएट की थी उनकी शादी के लिए, लेकिन अब यहाँ पे और भी लोग आ सकते हैं और वो अपनी अगर कोई वेडिंग है या कोई इवेंट है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम अश्विनी कुमार नाथ है, पहले वीडियो मैंने डाली थी, अब ये दूसरी वीडियो है, दूसरे इवेंट की वीडियो है, सेटअप आप देख चुके हैं, अब इसमें जो हमारी कुछ कमियां थी वो हमने ख़त्म कर दी हैं। मेरे भाई दोस्त हैं आप लोग, आप इधर आइए, विज़िट कीजिए और हमारी सर्विस देखिए हम क्या दे रहे हैं आपको। अगर आपका कुछ कमेंट्स हो, कुछ पूछना हो तो आप इस कमेंट्स कर सकते हैं, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। सब्सक्राइबर के लिए कुछ बोलिए सर। अरे उनके लिए तो यही है कि आपकी तरफ से और आपकी सहायता से जो भी हमारे पास आएगा उसको हम एक अच्छा खासा डिस्काउंट डालेंगे, जरूर डालेंगे। हमारे यहाँ के जनरल मैनेजर थे, जो इन्होंने अगर हमारे चैनल के माध्यम से कोई इस रिजॉर्ट को बुक कराता है और इस पैलेस को बुक कराता है तो उसे डिस्काउंट्स भी दिया जाएगा। एक बार सेवा का मौका दे, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, और आप लोगों की अब राजस्थान यानी बड़े शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब अपना सिवान किसी से कम नहीं है और ये डेवलप कर चुका है, और बहुत ही खूबसूरत शाही अंदाज में इस उमेद पैलेस हॉल का कॉपी करके सिवान में पचरुखिया जो साइड पड़ता है उसके यहाँ बनाया गया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा वीडियो में कहाँ कमी है, और एक बार विजिट ज़रूर करें, और सभी के लिए यहाँ अलग अलग तरह के जिस तरह से जिसकी जितनी बजट हो उस तरह यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। तो वीडियो एंजॉय।
सभी लोगों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं सी हॉक इवेंट्स की तरफ से. थैंक यू. दिस इज नालिनी, योर होस्ट फॉर दिस इवनिंग. थैंक यू सो मच. सबसे बड़े और सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन वेन्यू पे आप सभी लोगों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं. सी हॉक इवेंट्स की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी उमैद पैलेस में. थैंक यू सो मच. आज की शाम बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास है, क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं और आप सभी की मौजूदगी ने आज की शाम में चार नहीं बहुत सारे चांद लगा दिए हैं. वीआईपी उमेद पैलेस में आप सभी लोगों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं सी हॉक इवेंट्स की तरफ से. थैंक यू. दिस इज नालिनी, योर होस्ट फॉर दिस इवनिंग. थैंक यू सो मच. सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन वेन्यू पे आप सभी लोगों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं. सी हॉक इवेंट्स की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी उमैद पैलेस में. थैंक यू सो मच. और इतना बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन वेन्यू हम लेकर आए हैं आप सभी के शहर में सीवान में. एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं आज की इस खूबसूरत शाम में जायसवाल परिवार की तरफ से. आज की शाम बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास है, क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं और आप सभी लोग बेहद खूबसूरत लग रहे हैं. थैंक यू सो मच. तो दोस्तों, ये देख रहे हैं मेन रोड से उमेद पैलेस का कुछ खूबसूरत व्यू है और ये सीधा पचरुखिया बाजार पे चला जाएगा और ये सामने आपका उमेद पैलेस. वीडियो का समाप्ति मैं यही करता हूं. वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमें सजेस्ट कीजिए. मैं इसी तरह का वीडियो लेके आता रहता हूं. और किस जगह के आप वीडियो देखना पसंद करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए खुदा हाफिज़. दुआ में याद रखें.